चलते हैं और वहां जीतेंगे तो हमारी जो है थोड़ी जो अंदर में जो है साख मजबूत होगी। आप वहां भी देख लीजिए क्या सर, लेकिन केरला में तो पॉपुलैरिटी है। बीजेपी का भी खाता नहीं खुला है रुझानों में। 113 अरे पर आप बीजेपी लोगों तो ने अपने हमने कैंडिडेट कभी खड़े क्लेम किए नहीं थे। किया, हमने तो कभी क्लेम नहीं किया कि वहां जीत रहे हैं, लेकिन जो पार्टी के मुखिया जो वहां पर जाके सिर्फ पैसेज लिया था उनको देखिए किस ठीक तरह से है, एक्सपोजर है, टीएमसी वहां के भी नहीं नेता जीत भी रहे हमारे साथ और जुड़े हुए हैं, आसान। उनसे मैं प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन ये आंकड़े अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। संजय जी, आपकी बात भी पूरी हो जाए, आप जो बातें जोड़ रहे थे। और इसके साथ ही देखिए, अब तक के जो आंकड़े सामने आए हैं ये मुझे 2019 के रिजल्ट का भान करवा रहे हैं, क्योंकि इस समय 152 पर टीएमसी आगे चल रही है, 119 पर बीजेपी, 277 रुझानों की ये आंकड़े हैं। और हम सब ने देखा था 2019 में कैसे बीजेपी 121 से ज्यादा सीटों पर अपनी लीड बढ़ाए हुए थी लोकसभा के रिजल्ट के आधार पर, और टीएमसी कांग्रेस 160 के आसपास थी। तो अभी तक के आंकड़े क्या 2019 के रिजल्ट का ही आभास करा रहे हैं? संजय जी, अभी तक के जो आंकड़े आ रहे हैं वो 2019 के रिजल्ट्स का आभास दिला रहे हैं। और मैं कई महीनों से जो भी मैंने वेस्ट बंगाल के आंकड़ों को देखने की कोशिश की, चुनाव को समझने की कोशिश की, मेरी अपनी धारणा ये है कि वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस फाइनली 43-44% वोट लेकर के ताबीज रहेगी, उनके वोट बरकरार रहेंगे, और बीजेपी के पास तकरीबन कोई 39-40% वोट रहेगा। वो लगभग अपना लोकसभा का जो वोट शेयर है वो बरकरार रखेगा, शायद 1-2% उससे नीचे चला जाए। और अगर इतना फासला, 4-5% वोटों का फासला बना रहेगा तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, तो नतीजे वही आएंगे जिस तरह के ट्रेंड दिखाई पड़ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस हो सकता है कोई 165-170 के आसपास जाके रुके, और बीजेपी 115-120 के आसपास जाके रुकेगी, ऐसा मेरा मानना है। और अगर ममता बनर्जी अभी तक का जो रुख है नंदीग्राम से, वो चुनाव हार जाती हैं, ऐसी स्थिति में टीएमसी क्या करेगी? क्योंकि आंकड़ों में तो वो रुझानों में बहुमत पा गई है, लेकिन ममता बनर्जी अभी भी नंदीग्राम से पीछे चल रही हैं। मुझे लगता है अगर इस तरह के नतीजे आते हैं कि तृणमूल कांग्रेस 160 170 75 सीटें जीत कर आ रही हैं, तो अभी शुरुआती रुझान जो भी हो, नंदीग्राम में फिर ममता बनर्जी को जीतना चाहिए चुनाव। अगर वो नंदीग्राम में चुनाव हार जाए तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा, फिर तो पार्टी ये तय करेगी कि इसकी भरपाई कैसे की जाए, और फिर जब सरकार बनेगी तो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बने या ना बने, कहाँ से दोबारा चुनाव लड़ेंगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर तृणमूल कांग्रेस 170-175 सीटें जीत रही है तो नंदीग्राम में ममता बनर्जी अवश्य जीत हासिल। लेकिन 8106 वोटों से शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं नंदीग्राम सीट पर, और इसी सवाल के साथ प्रभु चावला जी मैं सीधे आपका रुख करते हुए, नंदीग्राम अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां पर ममता बनर्जी को बहुत बड़ी टक्कर शुभेंदु अधिकारी दे रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अभी तक के रुझानों में सरकार बनाती हुई कम से कम टीएमसी यहां पर दिखाई दे रही है। ऐसी स्थिति में क्या टीएमसी, क्योंकि ममता बनर्जी अब तक सिर्फ एक चुनाव हारी है लोकसभा का, आज तक उन्होंने अपनी जिंदगी में कोई भी दूसरा चुनाव नहीं हारा, अगर ऐसी स्थिति नंदीग्राम में बन जाती है कि वो वहां से लूज करती हैं, तो क्या आपको लगता है कि विकल्प के तौर पर कोई और भी चेहरा टीएमसी में हो सकता है, या जैसे भी चूंकि पार्टी ममता बनर्जी की है, एकमात्र सबसे बड़ा वो चेहरा है, तो उन्हीं के इर्द गिर्द ही पार्टी आगे बढ़ेगी और कोई दूसरा नाम दूर दूर तक नहीं होगा? चित्र आपके बात ठीक है, बार बार हम एक इमेजिनरी एक सिनेरियो को कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं उसको। अभी हमारे जैसे अभी कह रहे थे संजय कि 8000 वोट सडनली बढ़ गए थोड़ी देर के लिए, हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। इस तरह की स्पेकुलेशन की चीज कुछ हार रहा है सरकार और बनाएगी, ये थोड़ा जल्दी है, हो सकता है हार जाए वहाँ पर। मैं नहीं कह रहा कि जीतेंगे वहाँ पर, मैंने पहले भी एक बार ऐसे कह दिया था कि अगर ममता बनर्जी हारेंगी तो ये मेजोरिटी नहीं आएगी जो लग रही है। मेरा अभी भी पॉलिटिकल एनालिसिस 40 साल का, हो सकता है गलती है कि आके इलेक्शन करके हो रहे हैं, कोई हर आदमी गलत, तो मेरे को लगता है कि थोड़ा वेट करना।